सो हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फैमिली सिस्टम इन इंडिया के बारे में तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैमिली साइकिल के बारे में फैमिली साइकिल सिक्स फेजेस में होती है सबसे पहला फेज होता है फॉर्मेशन ऑफ अ फैमिली तो ये कब होता है ये मैरिज से लेकर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ तक के टाइम पीरियड को कहते हैं नेक्स्ट फेज आता है एक्सटेंशन का जो कि होता है फर्स्ट चाइल्ड बर्थ टू लास्ट चाइल्ड बर्थ अब आ जाते हैं कंप्लीट एक्सटेंशन पे तो ये लास्ट चाइल्ड बर्थ टू फर्स्ट चाइल्ड लीवस होम तक होता है नेक्स्ट फेज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन जो कि होता है फर्स्ट चाइल्ड लीवस होम टू लास्ट चाइल्ड लीव्स होम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये फेज लास्ट चाइल्ड लीवस होम टू फर्स्ट पाउस डाइज और डिजोल्यूशन यानी परिवार का खत्म होना कब होता है फर्स्ट पाउस डेथ टू द सर्वाइवर अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली सो व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ करेंटली मैरिड कपल्स विद और विदाउट डिपेंडेंट किड्स अब बात करें ज्वाइंट फैमिली की सो फैमिली? फैमिली कंसेस्ट ऑफ मोर देन वन मैरिड कपल लिविंग टूगेदर देयर चिल्ड्रेन इन सेम हाउस होल्ड ये कैरेक्टराइज होता है किससे मेल्स आर रिलेटेड बाई ब्लड एंड फीमेल्स आर रिलेटेड टू इन फॉर्म ऑफ मदर डॉटर वाइफ और सिस्टर ज्वाइंट फैमिली में कॉमन पूल ऑफ इनकम कॉमन किचन कॉमन प्रॉपर्टी और अथॉरिटी जो होता है वो वेस्टेड इन सीनियर फैमिली अब आ जाते हैं हम लोग थ्री जनरेशन फैमिली के ऊपर थ्री जनरेशन फैमिली में क्या होता है इसमें तीन सक्सेसिव जनरेशन्स होती है यानी कि ग्रैंड फादर फादर और सन अब आ जाते हैं हम लोग फैमिली सिस्टम पे तो नई फैमिली किसे कहते हैं वो होता है मैरिज ड्यूरेशन जिसका दस साल से कम है कॉम्प्लेक्स फैमिली की बात करें तो एस फैमिली स्ट्रक्चर में मोर देन टू एडल्ट एक्सटेंडेड फैमिली या पॉलीगैमी कम्युनल फैमिली की बात करें तो ईच मेंबर प्लेज अ रोल इन मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली इसमें हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्जुगल फैमिली पे कॉन्जुगल फैमिली एक ऐसा फैमिली होता है इन विच रिलेशनशिप्स फोकस इन वर्ल्डली अब आ जाते हैं हम लोग ब्रोकन फैमिली के ऊपर वट इज ब्रोकन फैमिली बोथ पेरेंट्स सेपरेटेड और डेथ ऑफ द वन और बोथ पेरेंट्स और सबसे लास्ट में आती है प्रॉब्लम फैमिली सो प्रॉब्लम फैमिली लैक्स इन प्रोग्रेस बिहाइंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप पॉवर्टी एंड इलनेस तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें